हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर जिकेट्रिक। आज है 2 फरवरी और आज हम 2 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। कल के कुछ का उत्तर देख लीजिए, काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है सी, भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर में किया गया है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे में भुवनेश्वर में मांचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में देश के पहले सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ स्थापना हुई इसकी? भुवनेश्वर में। इस अपशिष्ट से ऊर्जा प्रतिदिन संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम अपशिष्ट है। मतलब कि इसकी क्षमता कितनी है? प्रतिदिन 500 किलोग्राम अपशिष्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र पाली क्रैग नामक एक पेटेंटकृत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जो कई तरह के अपशिष्ट को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस कार्बन और पानी में परिवर्तित करने वाली विश्व की पहली पेटेंटकृत विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है। प्लास्टिक और ई अपशिष्टकृत सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट को हल्के डीजल तेल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि भट्टियों को प्रज्वलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए करंट अफेयर्स का। किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो प्रतिस्पर्धा के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल है। इसका सही आंसर है बी, नेपाल देश है ये। नेपाल ने पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो प्रतिस्पर्धा के आयोजन के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जमीन से 5,340 मीटर यानी कि 17,515 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट के आधार शिविर काला पत्थर में माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे का आयोजन किया गया था। यह आयोजन नेपाल सरकार के नया अभियान विजिट नेपाल 2020 का हिस्सा था। इस फैशन शो का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया को यह संदेश देना था कि नेपाल अब सभी गतिविधियों के लिए गंतव्य है। वहीं बात करें नेपाल की, राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री यहाँ पे केपी शर्मा ओली हैं, यानी खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हैं। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ पे विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने नो योर कस्टमर KYC मानदंडों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, HDFC बैंक। ये HDFC बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र की लीडिंग बैंक HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना नो योर कस्टमर नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है, जो कि शुरुआती सार्वजनिक पेशकश में बोली लगाने के लिए उपयोग किए गए थे। बैंक में खोले गए इन करेंट अकाउंट्स में जो लेन देन हुए हैं, वो खाता खोलने वाले ग्राहकों की घोषित आय और ब्यौरे से नहीं मिल रहे हैं। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(1) के साथ 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है, जो उपरोक्त दिशा का पालन करने में बैंक की विफलता का मुख्य कारण है। आज के करंट अफेयर्स का तीसरा प्रश्न है, 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फरीदाबाद। ये फरीदाबाद में किया जा रहा है। 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, फरीदाबाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी 2020 को फरीदाबाद हरियाणा में 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन करेंगे। तो फरीदाबाद कहाँ है? ये हरियाणा में है। सूरज कुंड शिल्प मेला पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। तो इसका एक फैक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1987 में आयोजित किया गया था पहली बार। तभी से इस उत्सव के सूरज कुंड में हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह मेला सूरज कुंड मेला प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश, पर्यटन विभाग,
हरियाणा सरकार और हरियाणा पर्यटन निगम के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। मेले का सहायक देश उज्बेकिस्तान है और इस बार हिमाचल प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक पद से किस व्यक्ति को मौद्रिक नीति समिति MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, जनक राज इनका नाम है। नाम आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक जनक राज को मौद्रिक नीति समिति यानी MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मुख्य ब्याज दरों को तय करने वाली संस्था है। जनक राज MD पात्रा का पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें हाल ही में RBI के उप राज्यपाल के रूप में पदोन्नत किया गया था। आज के करंट अफेयर्स का पांचवा प्रश्न है, संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है? संप्रीति ये है बांग्लादेश, इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति नामक एक संयुक्त सेनाभ्यास मेघालय के उमरोह में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? मेघालय के उमरोह में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें बांग्लादेश की, राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है इस समय? शेख हसीना है। राष्ट्रपति यहाँ पे अब्दुल हामिद हैं। आज के करंट अफेयर्स का छठा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना। ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन SRCM और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। ध्यान केंद्र में सेंटर हॉल और 8 परिधि हॉल सहित बने मेडिटेशन सेंटर में 1,00,000 लोगों को ध्यान लगाने प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाएगा। आज के करंट अफेयर्स का सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसने मंगलुरु कर्नाटक में एक उच्च गति वाली इंटरसेप्टर नाव C-448 शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने मंगलुरु कर्नाटक में एक उच्च गति वाली इंटरसेप्टर नाव C-448 का संचालन किया। तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन सी नाव है ये? C-448 नाव। C-448 में 12 का चालक दल है, जिसकी कमान सहायक कमांडेंट अपूर्व शर्मा के पास है। इस इंटरसेप्टर नाव को लार्सन एंड टर्बो यानी LNT शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय तटरक्षक एक सशस्त्र बल है जो भारत के क्षेत्रीय जल पर अधिकार क्षेत्र रखने के साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है और समुद्री कानून को लागू करता है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। आज के करंट अफेयर्स का आठवां प्रश्न है, हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 16वां। ये 16वां संस्करण है, 16वें MIFF 2020 डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम वर्ली में किया गया। MIFF उद्घाटन समारोह में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। आज के करंट अफेयर्स का नौवां प्रश्न है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है रानी रामपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बनी। विश्व खेलों ने इस वर्ष जनवरी में दुनिया भर के खेल प्रशंसकों द्वारा मतदान करने के 20 दिनों के बाद विजेता की घोषणा की। रानी रामपाल को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इस समय भारतीय महिला टीम की कप्तान है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जिन्हें मिला है। आज की करंट अफेयर्स का 10वां प्रश्न है,
असम राइफल्स ने किस राज्य युद्ध में स्मारक का निर्माण किया है? असम राइफल्स ने किस राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर है ए नागालैंड। ये नागालैंड में किया गया है। असम राइफल्स ने नागालैंड में एक असम राइफल्स ने नागालैंड में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। यह युद्ध स्मारक उन 357 कर्मियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसका निर्माण नागालैंड के मोकोकचुंग में किया गया है। युद्ध स्मारक में 3 अभिसरण पद हैं जो सेनाओं असम राइफल्स और वायुसेना को चिन्हित करते हैं। आज के क्विज का प्रश्न दे लीजिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके ए दिल्ली, बी तेलंगाना, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। कुछ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करिए जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जीके ट्रिक को ज्वाइन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।